हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक एंड्रॉयड स्टूडियो में नेविगेशन बार कैसे क्रिएट करते हैं। तो नेविगेशन बार क्रिएट करने के लिए आइए चलते हैं। सबसे पहले हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं और इसके बाद से यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट को बनाते हैं। यहाँ पर न्यू पे क्रिएट करते हैं और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक होने के बाद हमें नेविगेशन बार बनाने के लिए यहाँ पर हमें स्क्रॉल बार डाउन करते हैं और यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसके बाद से यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का नेम दे देते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया नेविगेशन। और इसके बाद यहाँ से पैकेज का नेम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी नेम देना चाहें हमें दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव लोकेशन है और यहाँ से आपका जो API है 15 है यहाँ पे, जिससे कि हमारा 100% डिवाइसेस पे प्रोजेक्ट वो रन कर जाए। उसके बाद यहाँ पे फिनिश करते हैं और फिनिश हो जाने के बाद हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होके आ जाएगा। इसको हो जाने के बाद यहाँ से हमारा एक नेविगेशन बार क्रिएट हो जाएगा। अब ये बिल्ड हो रहा है और इस तरह से बिल्ड होके आ गया। इतना कंप्लीट होने के बाद ये रहा इसका डिज़ाइन, यहाँ से हम इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। इसका प्रीव्यू ऐसे दिखेगा इसका। और इसके बाद हम इसे रन करके दिखा देते हैं कि ये कैसा अभी दिख रहा। तो यहाँ पे रन ऐप है, यहाँ पे हमने रन ऐप पे क्लिक किया और इस तरह से ये ओपन होके आ जाएगा कि इसका जो कंस्ट्रक्ट लेआउट है वो कैसे दिखेगा। यहाँ से इसका मैनिफेस्ट फाइल्स है और जावा फाइल्स है। हमारे जो लेआउट है वो इतना सारा, इतनी XML फाइल्स इसमें आ जाती है। और ये रहा हमारा ओपन होके आ रहा, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और इसमें जो भी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना है वो हमारे XML फाइल्स और .java फाइल्स में हमें करना होगा। इसका जो कलर्स है हम इसका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं और इसका जो भी कंस्ट्रक्ट लेआउट है हम इसका सब कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे हम आपको बताते हैं। इसमें जो हमारा आइकन्स है वो इतने सारे आइकन्स दिए हुए हैं, अभी रन होके आ जाएगा। इसमें तो ये हमारा एमुलेटर पे रन होके आ गया है जो कि ऐसे दिखेगा ये। और इसके बाद हम यहाँ पे जो आइकन शो हो रहा है इस पर, हम इस पर क्लिक करते हैं और इस तरह से हमारा इतना सारा मेनू शो हो रहा है। यहाँ पे होम पे क्लिक किया हमने तो यहाँ पे होम का फ्रैगमेंट शो हो रहा है। और इसके बाद गैलरी पे क्लिक किया तो यहाँ पे गैलरी का शो हो रहा है। आप यहाँ पे सारा जितना भी दिया हुआ है हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं और जो भी इसके अंदर हमें लिखना है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारा एक यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे एक शो होके आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले यहाँ पे टूल्स हैं, अगर इसके नीचे हमें कुछ और आइकन शो कराना है तो उसको हम कैसे शो कराते हैं। अभी हमने सिंपली इसे कट कर दिया। कट हो जाने के बाद यहाँ पे इतने सारे आइटम्स शो हो रहे हैं। यहाँ से हमारा होम बार है और इसका नेम हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और हमें इसके उसके नीचे डालना था तो यहाँ से हम सिंपली इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देते हैं।
इतना होने के बाद हमें इसका लोगो है, इसका जो आइकन है, हम इसका आइकन चेंज करना है हमें। तो इसके लिए हमें सिंपली ड्राइवर फोल्डर में जाना है, इस पर हमें राइट क्लिक करनी है और इसके बाद इस पर न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से वेक्टर एसेट्स है, इस पर क्लिक करते हैं। इतना होने के बाद ये हमारा क्लिप आर्ट है, हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक होने के बाद इसमें से जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ से सेलेक्ट किया कोई भी, हमें नेविगेशन के लिए चाहिए। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी आइकन आपको अच्छा लगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से एक कोई भी आइकन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमने इस आइकन को सेलेक्ट किया और उसको सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ से सिंपली ओके पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ से आप इसको नेम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी नाम देना चाहते हैं। फिर यहाँ से हमें नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसके बाद फिनिश पे। इतना होने के बाद हमें इसका नेम भी चेंज करना है, तो अभी हमें इसका नेम चेंज करते हैं, आईसी हमने इस नेम से बनाया था। फिर हमने इसे नेम जो हमने वहाँ पे लिखा था वही नेम हमें यहाँ पे क्लिक करना, और जो यहाँ पे है और यहाँ पे हम अपना कोई भी एक आईडी दे देंगे। हमने यहाँ पे सिंपली ये नेम दे दिया। इतना होने के बाद हमारा जो प्रीव्यू है वो ऐसे दिखेगा, हम यहाँ से देख लेते हैं। अभी यहाँ पे ऐसे शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। इतना होने के बाद हम यहाँ से हमें उसका न्यू हेडर मेन पे जाते हैं। और यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू पहले दिखा देते हैं, ये हमारा ऐसे प्रीव्यू शो होके आएगा। हमें इसका कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे सिंपली इस पे जाइए मेनू पे, और इस पे आने के बाद हम यहाँ कलर्स पे जाते हैं और कलर्स पे जाने के बाद यहाँ से जो इसका जो कलर है हम इसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे भी हम अपने अकॉर्डिंग इसका कलर कलर चेंज कर देंगे। आप जो भी कलर देना चाहें आज से दे सकते हैं। इतना हो जाने के बाद यहाँ से हम न्यू हेडर मेन में जाते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा सब कुछ हो गया। और इसके बाद यहाँ पे ये हमारा जो मोबाइल नेविगेशन एक्सएमएल है ये फाइल्स हो गई, और इसके बाद से हमें आप यहाँ से नेव हेडर एक्सएमएल पे देख सकते हैं। इतना होने के बाद हम इसका प्रीव्यू आपको दिखाते हैं, ये रहा हमारा प्रीव्यू ऐसा दिख रहा है। और इसके बाद से हमें यहाँ से ये हमारा नेम है, इस नेम को हमें चेंज करना है।
तो सिंपली यहाँ से अगर हमें कोई नेम यहाँ से देना है। तो इसके बाद यहाँ से हम कोई भी नेम यहाँ से दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा माई ऐप। और इसके बाद से यहाँ से हमें जो ईमेल है, यहाँ से हम ईमेल को भी चेंज कर देंगे। यहाँ से जो चाहे वो आप यहाँ ईमेल रख सकते हैं। आप जो चाहे वो यहाँ से ईमेल, यहाँ से हमने ईमेल को भी चेंज कर दिया। और इतना हो जाने के बाद हम प्रीव्यू में देखेंगे तो ये हमारा ऐसे शो हो रहा है। यहाँ से हम थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इतना हो जाने के बाद और यहाँ से अगर हमें इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आने के बाद यहाँ से इस पे हम जाएंगे और यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और कलर चाहिए यहाँ से, तो हम यहाँ से कलर प्राइमरी कर सकते हैं। इसका कलर चेंज हो गया, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कलर इसका चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद से जितना भी चेंजिंग है इसमें वो हो जाएगा। इसके बाद हमारी सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। और कोई भी चीज़ अगर आपको इसमें ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे रन कराते हैं। यहाँ से आप अपना ईमेल भी चेंज कर देंगे। और इस तरह से हमारा ये ओपन होके आ रहा है। आप इसके अंदर जो कुछ भी डिज़ाइन करना चाहते हैं आप इसे डिज़ाइन कर लीजिए। और इसका जो कलर है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से इसका जो लोगो है, यहाँ से जो लोगो है वो चेंज कर सकते हैं। इसका जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसका कलर दे सकते हैं। और इसके बाद से जो गैलरी फाइल है, तो यहाँ से गैलरी फाइल में इतने सारे हमें फंक्शंस प्रोवाइड होते हैं मेन एक्टिविटीज में। और इस तरह से हमारा जो ऐप है वो ओपन होके आ गया है। देखिए इसका वो जो लेआउट है वो चेंज हो गया, इसका कलर। और इसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने पर हम यहाँ पे इसका जो नेम है वो चेंज हो गया, इसका जो ईमेल आईडी है ये भी चेंज हो गया। और यहाँ पे जो टूल्स का है ये टूल्स का भी बन गया। आगे यहाँ पे हम इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। आप इसे नेम चेंज कर लीजिए। और उसके बाद से इसका टूल्स पे क्रिएट किया तो इस पे बटन आ गया। और इस पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसके इसके अंदर भी कुछ लिखा नहीं है। और साइड स्क्रोल पे यहाँ पे भी आ गया। इसके बाद से हम जो कुछ भी इसके अंदर जो कुछ भी हम इसके इनसाइड हम लिखना चाहते हैं वो हम इसके फंक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो और कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।